दीपावली पर बुकिंग कराएं और स्कूटी फ्री ले जाएं स्मार्ट ऑटोमोबाइल से। एक बार चार्ज करें और 80 किलोमीटर तक का सफर करें। ना रजिस्ट्रेशन का झंझट, ना आरटीओ की आवश्यकता। नो पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली, सेफ राइड, नो फ्यूल। तो आज ही आए रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर के बगल में अलादीन पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड मऊरानीपुर। स्मार्ट ऑटोमोबाइल मऊरानीपुर। दिवाली की रात झांसी में बहुत सारे लोगों ने असलों का ना सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि हर्ष फायरिंग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात कह रहा है। फायरिंग के वायरल हो रहे एक वीडियो में नगर निगम के एक पार्षद फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य वीडियो में युवक भी फायरिंग की घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। सीओ सिटी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मुझे और उच्च अफसरों को वीडियो भेजा गया है जिसमें कुछ लोग डबल बैरल से और पिस्टल से फायरिंग कर रहे हैं। हमने इसका संज्ञान लिया है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जो लोग भी नियमों के विपरीत गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हम आपको सीओ सिटी की बात सुनाएं, उससे पहले जरा देख तो लीजिए दीपावली में बंदूकी धमाका। देखिए, आप लोगों द्वारा कल मुझे और ऊपर के अधिकारियों को एक वीडियो भेजा गया जिसपे फायरिंग कर रहे हैं डबल बैरल से और पिस्टल से, तो उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है, मुकदमा उस पर दर्ज किया जा रहा है। जो भी गलत वर्क कर रहे हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध निश्चित रूप से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। सबसे पहले मैं शहीद चंद्रशेखर आजाद को नमन करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मैं देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने दिल में देशभक्ति का जज्बा कायम रखें। आज से मेरा भी यह संकल्प है कि मैं शिवशंकर मिश्रा और बब्बी महाराज हर असहाय, निर्धन, दिव्यांग व मानसिक रोगियों की हर मदद करने का प्रयास करूंगा। अगर आपकी नजर में कोई भी असहाय हो, जो आज परेशान हो, वो मुझसे संपर्क कर सकता है।